एबीपीएस न्यूज। नमस्कार, एबीपीएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ अजय प्रताप सिंह और आज सुबह की सुर्खियां लेकर आपके सामने हूँ। और आज सबसे बड़ी जो खबर है वो SC ST फैसले पर कोर्ट नहीं पसीजा है। दैनिक जागरण अखबार में ये खबर प्रकाशित हुई है। तत्काल गिरफ्तारी पर रोक संबंधी फैसले को बदलने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि राजनीति भले ही गर्मा जाए लेकिन कोर्ट अपना फैसला नहीं बदल सकता। कोर्ट को ये भी बताया गया है कि कोर्ट कभी भी कानून नहीं बनाता है, कानून सरकारें बनाती है और कोर्ट सिर्फ उनमें शून्य को भरने के लिए कुछ फैसले कर सकता है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि राजनीति गर्माने वाले सुप्रीम कोर्ट के SC ST फैसले में सुधार के लिए गुरुवार को सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया लेकिन कोर्ट उसके बावजूद भी नहीं पसीजा। सरकार ने न सिर्फ दलीलें देते हुए फैसले पर रोक की मांग की जिसमें SC ST कानून के तहत तत्काल FIR और गिरफ्तारी नहीं हो सकती है लेकिन कोर्ट ने कहा कि कोर्ट अपना काम कानून के हिसाब से कर रहा है और जो तत्काल गिरफ्तारी की बात है उस पर रोक लगाने से भी कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो वहीं अगर दूसरी खबर की हम बात करें तो दैनिक जागरण की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें 70 फिल्मी हस्तियों ने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। इन हस्तियों का कहना था कि राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाना चाहिए, यदि राष्ट्रपति इस पुरस्कार को देते हैं तो सम्मान के साथ दिया जाए। और इसी तरह से इसमें पूरी खबर में लिखा है कि आखिरी समय में 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विवादों में गिर गया है। राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार नहीं मिलने के मुद्दे पर 70 कलाकारों ने अंतिम समय पर समारोह का बहिष्कार कर दिया। राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें 70 लोगों ने पुरस्कार लेने से इनकार किया है। तो एक और बड़ी खबर जो दैनिक जागरण के ही पहले पेज पर है जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ कोर्स के लिए आवेदन किए जाने की बात सामने आ रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है कि 12वीं की परीक्षा दे चुके छात्र, वो चाहे दिल्ली के हो या दिल्ली के बाहर के, वो सिर्फ उनके पोर्टल पर कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। कॉलेज का इसमें कोई जिक्र नहीं किया जाएगा क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने जो नियम है उनमें कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है और साफ तौर पर उनका कहना है कि सिर्फ कोर्स के लिए ही विद्यार्थी आवेदन करेंगे और कॉलेज के लिए किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा क्योंकि उनके जो पोर्टल है उस पर साफ तौर पे इस चीज को डिक्लेयर कर दिया गया है। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। इसके बाद खेल की कुछ खास खबरों के साथ हम दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप दीजिए अजय को इजाजत। ABPS News। शुभम और कार्तिक ने चेन्नई एक्सप्रेस को रोक दिया है। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। गिल ने इसमें शानदार अर्धशतक जमाया है और खास तौर पर अगर हम अंक तालिका की बात करें तो इसमें हैदराबाद 8 मैच खेले हैं जिनमें से 6 मैच इन्होंने जीते हैं, 2 मैच हारे हैं जिनका रन रेट है +0.514 और इनके पॉइंट है 12। चेन्नई सुपर किंग्स 9 मैच खेले हैं और इन्होंने 6 मैच जीते हैं, 3 हारे हैं, इनका रन रेट है +0.354 और इनके भी जो अंक बनते हैं वो 12 ही हैं। इसी तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स 10 पॉइंट के साथ और चौथे नंबर पर है किंग्स 11 पंजाब जिसके पास भी 10 ही अंक हैं। तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स की अगर हम बात करते हैं तो उनके पास 6 और डीए डेविल्स के पास भी 6 ही अंक हैं और इसके साथ साथ राजस्थान की टीम भी 6 अंक लिए हुए हैं और 7वें नंबर पर है। तो वहीं मुंबई इंडियंस की अगर हम बात करते हैं तो 8 मैच खेले और 2 मैच जीते हैं, इन्होंने 6 मैच हारे और 4 अंकों के साथ आखिरी पायदान पर नजर आ रहे हैं। तो ये IPL के हिसाब से अगर देखी जाए तो मुंबई इंडियंस की टीम काफी पीछे जा चुकी है और सनराइज हैदराबाद अगर इनकी हम बात करें तो ये इस पूरे IPL में नंबर 1 की पोजीशन जमाए हुए हैं। और खेल के कुछ विशेषज्ञों की अगर हम बात माने तो ये टीम सनराइज हैदराबाद आने वाले टाइम में IPL पर भी कब्जा जमा सकती है लेकिन अगर चेन्नई सुपर किंग्स को भी हम लें तो वो भी 12 अंक लेकर दूसरे स्थान पर भले ही हो लेकिन पूरा दम इसके अंदर भी दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइज हैदराबाद के बीच ही कांटे की टक्कर होगी, बाकी टीमें शायद फाइनल तक ना भी पहुंच पाए। ये कुछ खेल विशेषज्ञों का मानना है और इसके साथ साथ जो
अगली खबर है वो युवा गेंदबाजों की तिकड़ी ने कमाल का हौसला दिखाया। वेरी वेरी स्पेशल के नाम से बीबीएस लक्ष्मण द्वारा इस पर एक लेख दैनिक जागरण में जारी किया गया है। एबीपीएस न्यूज़। सोशल मीडिया पर बर्फानी बाबा की तस्वीरें वायरल हो गई हैं। आगामी 28 जून से शुरू हो रही अमरनाथ की वार्षिक तीर्थ यात्रा से पहले ही सोशल मीडिया पर पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के हिमलिंग का वीडियो और तस्वीरें वायरल हुई हैं। दावा किया जा रहा है कि हिमलिंग का आकार 12 फीट से ज्यादा है। तस्वीरों में गुफा में माँ पार्वती और भगवान गणेश भी हिम के रूप में स्थापित दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन तस्वीरों और वीडियो की आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। तो वहीं वैष्णो देवी की अगर हम बात करें तो दैनिक जागरण में लिखा है कि वैष्णो देवी आने वाले हर श्रद्धालु से अगर 1 रुपया भी लिया जाए तो वहां के बहुत सारे लोग जो है वो पुनः स्थापित हो सकते हैं और उनके जीवन में सुधार आ सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। उसमें लिखा हुआ है कि माता वैष्णो देवी तक श्रद्धालुओं को ले जाने वाली घोड़ा गाड़ी व खच्चरों के मालिकों के पुनर्वास के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि अगर 1 श्रद्धालु से 1 रुपया लिया जाए तो बोर्ड इस साल में इतना पैसा इकट्ठा कर सकता है कि इन लोगों का दोबारा से पुनर्वास और विस्थापन किया जा सके। तो वहीं पाकिस्तान से जुड़ी हुई खबर एक बार फिर से सुर्खियों में है। भटक कर पाकिस्तान पहुंचे एक भारतीय नागरिक को वहां से कैंसर और टीबी जैसी बीमारी देकर विदा किया गया है। साफ लिखा है कि पाकिस्तान की कराची जेल में 5 साल की सजा भुगत कर वतन लौटे जितेंद्र ब्लड कैंसर और टीबी के मरीज हो गए। ये दोनों बीमारियां उन्हें पाकिस्तान की जेल में रहने के कारण हुई। सिवनी मध्य प्रदेश के जितेंद्र अर्जुनवार गुरुवार को पाकिस्तान से रिहा होकर अटारी सीमा पहुंचे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जेल में उनसे क्रूर व्यवहार किया जाता था। पाकिस्तान में उन्हें शक के निगाह से देखा जाता था। वे समझते थे कि मैं खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा हूं। जेल अधीक्षक से लेकर निचले स्तर तक के कर्मचारी उन पर तमाम क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, जिसके चलते उन्हें ये दोनों बीमारियां हो गई और इनका शायद पाकिस्तान ने इलाज भी नहीं कराया और उन्हें एक जासूस की संज्ञा देकर 5 साल की सजा भुगतने के लिए मजबूर कर दिया। तो पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर से दुनिया के सामने आया है कि किस तरह से उन्होंने मानवाधिकार आयोग के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनकी किस तरह से अनदेखी की है और एक इंसान के साथ ये व्यवहार किया है। इसी के साथ आज की सुर्खियों में बस इतना ही। इसी के साथ अजय प्रताप सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।